हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक गजब की चीज़ हम करने जा रहे हैं। जैसे कि मेरे पास एक डेटा शीट है, तो सेम शीट पे है लेकिन डिफरेंट फाइल पे भी हो सकती थी या डिफरेंट सॉफ्टवेयर में भी हो सकती थी। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जब आई डी लिखूँ तो यहाँ पर डिटेल्स पूरा का पूरा आ जाए। आप सोच रहे होंगे तो एक कौन सी बड़ी बात है, इसलिए तो जल्दी भी लुकअप लगा लेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी तरह का लुकअप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे, तो चलिए इसके लिए हम लगन बनाते हैं माइक्रोज। तो माइक्रोज हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे आते इंसर्ट, हम करेंगे मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट आर या फिर एक गेट डेटा के नाम से, गेट डेटा ब्रैकेट ओपन क्लोज। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे डिम आईडी एज ए वेरिएंट, क्योंकि आईडी कुछ भी हो सकती है, हमने वेरिएंट ले लिया। उसके बाद हम लगाएंगे फॉर्मूला लूप का। नहीं, लूप नहीं, यहाँ पे मैच का लगा देंगे तो बेटर रहेगा, या वी लूप का भी लगाया जा सकता है। तो मैं यहाँ पे करते हैं डिम आर एज ए लॉन्ग, और यहाँ पे देते हैं आर इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच। मैच पे हमने दे दिया आईडी, और हमने बोला ढूंढना कहाँ है, तो हमने बोला ढूंढना है शीट्स में डेटा शीट्स। और हमने बोल दिया यहाँ पे रेंज, और हमने बोला कि पूरे एक कॉलम में। हालांकि इसके बगैर हम लूप भी लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उस चीज़ को हमने ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे एंटर प्रेस करते, इससे क्या होगा कि जो रो नंबर है वो रो नंबर हमारा शो हो जाएगा। रो नंबर शो हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हम कर देते हैं एक और डिम ए एज ए रेंज। यहाँ पे सेट कर देंगे A इक्वल टू टारगेट, या फिर हाँ टी आर कर देते हैं टी आर, और यहाँ पे देते हैं कि टी आर डॉट वैल्यू पहले कर दीजिए, टी आर डॉट वैल्यू इक्वल टू शीट्स के साथ हमने यहाँ पे लगाया डेटा डॉट सेल्स में हमने बोला कि आर जो हमारा रो हो जाएगा, कॉलम हमने कर दिया 1 डॉट वैल्यू। उसके बाद नीचे जो हम लिखेंगे यहाँ पे, बस यहाँ पे लगा देना ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू डॉट ऑफसेट 0,1। उसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट, और हमारे पास कितना है, 14 है, तो यहाँ हमारा हो जाता है 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें दिक्कत हो सकता है, तो इस केस में हम यहाँ पे जो है लूप लगा देते हैं कि 4 2 4 i इक्वल टू 2 से चले 14 और नेक्स्ट आई। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, इसको कॉपी नहीं करते, इसमें यहाँ पे दे देते हैं आई और यहाँ भी दे देते हैं आई। ये हमारा माइक्रो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। लेकिन इसको रन कैसे करें, तो हम C2 के जाते हैं और यहाँ पे देते हैं वर्कशीट और यहाँ पे देते हैं चेंज। और चेंज में मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ कि डिम tr एज ए रेंज और यहाँ पे करता हूँ मैं कि सेट tr इक्वल टू टारगेट। उसके बाद जो है हम इस माइक्रो गेट डेटा को कॉल कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे करना होगा एप्लीकेशन ऊपर एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट। ये जरूरी है, ये ना करेंगे तो फिर नहीं होगा। इक्वल टू फॉल्स, फिर इसको कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं, बोलते हैं ट्रू। अब देखिए क्या होगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ आईडी ऑब्जेक्ट रिक्वायर टीआर इज इम्पैक्टेड। लेकिन मैंने यहाँ पे tr को सेट तो कर दिया है ना, tr एज ए टारगेट। अब अच्छा से वर्क करेगा। सॉरी, डिस्प्ले अलर्ट नहीं होगा, क्या होगा अनेबल इवेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने इवेंट को फॉल्स कर दिया है ना इस कोड में। यहाँ पे तो ये तो कोड चला, लेकिन ये कोड नहीं चल पाया, इस कारण से प्रॉब्लम हो गई। अब मैं यहाँ पे आईडी लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ डिमोट। अरे यार क्या चीज़ का आईडी एज ए वेरिएंट है ना, ओके। यहाँ मुझे देना होगा आईडी इक्वल टू टारगेट डॉट वैल्यू। अब परफॉर्म करिए, आ गया। अब मैं यहाँ 1 लिख के एंटर मारता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जैसे जैसे हम यहाँ एंट्री मारते हैं ये डेटा खुद ब खुद हमारा दूसरे शीट से आ जाता है। और इसके लिए हमने यहाँ पे कोई वी लुकअप का फॉर्मूला नहीं बनाया। हमने क्या किया, हमने जस्ट इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया। अब देखिए यहाँ जो माइक्रो प्रोग्रामिंग हमने इवेंट किया है इसमें क्या है कि आप किसी भी तरह की अपने माउस एक्टिविटीज पे, अपने माउस चीज़ों पे आप अपना माइक्रो को परफॉर्म करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कीजिए, या फिर आपको अगर मान लीजिए मेरी वीडियो सीरीज चाहिए पूरी पूरी वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की, तो आप मुझे ऐप के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल ऐप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे दिया हुआ है, प्लीज़ इसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सारे आपको कोर्सेज दिख जाएंगे जिसमें आपको हम टेलीपोर्टिंग सपोर्ट भी देते हैं। थैंक यू।